हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। लोकसभा चुनावों के साथ ही राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जोर पकड़ता नजर आ रहा है और हाल ही में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और अंबाला से उम्मीदवार कुमारी शैलजा ने प्रधानमंत्री की चौकीदार की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। पार्टी झूठ बोलने में, लोगों को गुमराह करने में माहिर है। हर तरह की झूठ, हर तरह की गलत बातें, और जब चुनाव आता है तो इनका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, मोदी जी का और उनका, देखे देखे उनकी फौज का। कंपटीशन ये हो रहा है कि कौन ज्यादा झूठ बोले, कौन ज्यादा गलत बातें बोले और कौन ज्यादा नीचे स्तर की बातें करे। हम ना तो किसी पे आरोप लगाते, लेकिन जो व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री को चोर चोर कह रहा है तो हम ये तो जरूर कहेंगे कि चोरों को चोर नजर आते हैं। 55 लाख से 9 करोड़ रुपए की एक साल की आमदनी किस प्रकार से राहुल गांधी की हो गई और कौन सा मॉडल वो विकास का लाना चाहते हैं। और प्रियंका जी कह रही हैं कि मैं कांग्रेस की डूबती हुई नैया को पार लगाऊंगी।